हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 चैप्टर 7 ग्रेट थिंकर्स एंड ग्रोथ ऑफ न्यू आइडियाज पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने बुद्धिज्म बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा था, गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ा था, उनके जो बुद्धिस्ट थे उनके जो फॉलोअर्स थे उनके बारे में स्टडी की थी। तो अब नेक्स्ट टॉपिक आता है द संघ। तो जो भी बुद्धिस्ट थे उनके फॉलोअर्स थे वो लोग क्या करते थे, एक संघ में रहते थे, एक ग्रुप में रहते थे, और इस ग्रुप में रहकर वो क्या अलग अलग कंट्रीज जाते थे, अलग अलग जगहों पे जाते थे, और जो भी बुद्ध धर्म है बुद्धिज्म है इसका प्रचार प्रसार करते थे, लोगों में फैलाते थे, ठीक है, उनके बुद्ध के टीचिंग्स को लोगों में फैलाते थे। और ये जो ग्रुप में रहते थे इसे बोला जाता था संघ। उसके बाद नेक्स्ट आता है मोनेस्ट्रीज स्तूप्स एंड चैत्य। मोनेस्ट्री स्तूप्स एंड चैत्य क्या होते हैं, तो देखिए इस टाइप की इमेजेस होती है, इसे बोला जाता है, ये हो गया मोनेस्ट्रीज, ये नेक्स्ट स्तूप्स, और ये है थर्ड चैत्य। तो जो भी बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे वो इनमें रहते थे, मोनेस्ट्रीज में या स्तूप्स में, ये चैत्य में। और इनके जो हॉल्स थे, ये जो मोनेस्ट्रीज थी, ये स्तूप्स जो थे, इनके जो हॉल्स थे उसमें ब्यूटीफुल डिजाइंस बने हुए थे। उन डिजाइंस पे क्या बने हुए थे, जो गौतम बुद्ध थे उनकी जीवनी, उनकी लाइफस्टाइल, उनकी टीचिंग्स या उनका रहन सहन सब कुछ उनके वॉल्स पे बना हुआ था, मतलब पूरी तरीके से उनके बारे में डिस्क्राइब किया हुआ था, ठीक है। और ये लोग इसमें मोनेस्ट्रीज में या विहार्स में रहते थे, बुद्धिस्ट मॉन्क्स। उसके बाद उनकी जो लाइफ्स होती थी, उनकी जो लाइफ थी बहुत ही सिंपल लाइफ जीते थे वो लोग, मेडिटेशन करते थे, और जो मतलब क्या है कि वो भिक्षा मांग के उनका जो जीवन था वो उस तरीके से चलता था, इस तरीके से वो लोग सर्वाइव करते थे। इसमें से जो कुछ फेमस मोनेस्ट्रीज थी वो बाद में लर्निंग सेंटर्स बनी, फेमस लर्निंग सेंटर्स बनी। कौन कौन से थे इनमें से, जैसे नालंदा, तक्षशिला, सारनाथ, ये पूरे वर्ल्ड से स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ने आते थे, इतना फेमस था नालंदा और तक्षशिला खास करके। ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम का था, जो यहाँ पे जो बौद्ध भिक्षु थे या भिक्षुकाएँ थी, मतलब मॉन्क्स या नन थे, वो भी यहाँ पे पढ़ाया जाता था, उनको भी वो लोग यहीं पे रहते थे। और जो कुछ मोनेस्ट्रीज होती थी वो किसकी बनी होती थी, कुछ तो वुड की बनी होती थी, या कुछ क्या ब्रिक्स के बनी होती थी, या फिर जो केव्स होती थी ना गुफाएं, तो उनके जो रॉक्स होते थे उनको कट करके, उनको डिज़ाइन करके बनाया जाता था कई मोनेस्ट्रीज को। और वहाँ पे क्या, जो बुद्ध के रेलिक्स होते थे, मतलब महात्मा बुद्ध की जो भी चीज़ें थी, ठीक है, मेन चीज़ें, वो सारे वहाँ पे रखी गई थी, प्रिजर्व की गई थी, ठीक है। उसके बाद स्तूप्स की बात करें तो स्तूप, सबसे फेमस स्तूप आप लोगों ने भी सुन रखा होगा, सांची का स्तूप जो है, ये MP में मध्य प्रदेश में है। इन सभी फेमस जो भी स्तूप्स हैं ना, उनमें से ये एक है। ये जो स्तूप्स होती थी इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती थी, डोम शेप, मतलब गुंबदाकार, ऊपर से गोल होता था, ठीक है। ये इमेज में आपने देखा ना, ये ऐसे गोल टाइप की स्ट्रक्चर बनी होती थी स्तूप्स की, ठीक है। और उसके बाद चैत्य क्या होते थे, तो जो बुद्ध हैं, बुद्धिज्म जो मानते थे वो लोग, बुद्धिस्ट जो थे वो लोग जहाँ पे वर्शिप करते थे, वो हॉल टाइप से जो बना होता था उसे बोलते थे चैत्य, वहाँ पे वो लोग अपनी प्रेयर वगैरह करते थे, ठीक है। तो ये जो श्राइन्स है, मतलब ये जो चैत्य है, ये कहाँ पे पाए गए हैं, कहाँ कहाँ पे, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, कैरले, नासिक और औरंगाबाद, इन सब मेन जगहों पे, और भी जगहों पे पाए गए हैं, ये सभी फेमस हैं जहाँ पे ये श्राइन, ये चैत्य पाए गए हैं। अब आते हैं जैनिज्म, जैन धर्म। इसके जो फाउंडर थे, जैनिज्म के फाउंडर कौन थे, वर्धमान महावीर, ठीक है, महावीर थे। तो ये वज्जी गण संघ से बिलोंग करते थे। गण संघ क्या होता है, जब हमने जनपदास के बारे में पढ़ा था तो हमने उसमें पढ़ा था कि तो जब महाजनपद फॉर्म हुए थे तो कुछ तो ऐसे थे, कुछ स्टेट्स जिनमें क्या होता था, जो किंग होता था उसका रूल होता था, और कुछ में क्या है, जो नॉर्मल पीपल है, आम जनता है, जो रिपब्लिक होती थी कुछ जो जनपद हैं, ठीक है। तो जो रिपब्लिक जनपद थी जहाँ पे आम जनता का रूल था उसे बोला जाता था गण संघ। उसके बाद जो वर्धमान महावीर थे, इनका जन्म कब हुआ था, 540 BCE, ठीक है, इसके आसपास इनका जन्म हुआ था। कहाँ, कुंडग्राम में, कुंडग्राम वैशाली के पास बिहार में यहाँ पे। और इनकी जो मदर थी वो क्या थी, लिच्छवी प्रिंसेस थी, लिच्छवी की राजकुमारी थी। और फादर जो थे ये जनतिका के इनके चीफ थे। अब जो ये वर्धमान महावीर थे, रॉयल फैमिली में जन्मे थे तो लग्जीरियस लाइफ तो मिल नहीं थी, तो इन्हें काफ़ी लग्जरीज मिली थी, लेकिन इन्हें इनमें कुछ भी इंटरेस्ट नहीं था, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। और इसीलिए इन्होंने 30 ईयर्स की एज में घर छोड़ दिया। 12 साल तक ये घूमते रहे इधर से उधर, बिल्कुल साधुओं की तरह, सन्यासियों की तरह घूमते रहे, बिल्कुल मिनिमम कंफर्ट्स के साथ मेडिटेट करते थे, मेडिटेशन करते थे। और फाइनली उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई। कैवल्य मीन्स नॉलेज, परफेक्ट नॉलेज, जो नॉलेज उन्हें चाहिए था वो नॉलेज मिला, और इसीलिए उन्हें जिन कहा जाने लगा, ठीक है, जिनकी उपाधि मिली, क्योंकि जिनका मतलब क्या होता है, जिन्होंने सब कुछ जीत लिया हो, कॉन्कर, ठीक है।
तो इसीलिए, और जो इनके फॉलोवर्स थे उन्हें जैंस कहा जाने लगा। और इसी तरीके से जो ये रिलीजन बना, जो वर्धमान महावीर थे, इनके फॉलोवर्स थे, इन्होंने जो ये रिलीजन बनाया इसे जैनिज्म कहा जाने लगा, जैनिज्म नाम दिया गया। ठीक है, तो जो वर्धमान महावीर थे ये 24th तीर्थंकर थे। ठीक है, जो भी इस मतलब जिन्होंने इस धर्म का मतलब जैनिज्म का प्रचार प्रसार किया, तो ये 24th नंबर पे थे। इससे पहले और भी 23 हुए, जिसमें फर्स्ट कौन थे, ऋषभदेव। तो महावीर ने ही, वर्धमान महावीर ने ही दोबारा रीऑर्गेनाइज किया, फर्स्ट से लेकर 24 तक सारे तीर्थंकर्स को इन्होंने रीऑर्गेनाइज किया, नंबर्स दिया। और इन्हें जो भी मतलब निर्वाण मिला था, निर्वाण मतलब जो मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, जो ये जन्म मरण है इनकी मतलब इनके सर्किल से जो छुटकारा मिलना एक तरीके से, ठीक है, मोक्ष मिलना, वो कहाँ मिला था, वो पावापुरी में मिला था, राजगीर के पास, ये भी बिहार में है। और कब, 72 ईयर्स में, 72 ईयर्स की एज में इन्हें पावापुरी राजगीर, जो कि बिहार में है, इन्हें निर्वाण मिला था, मोक्ष की प्राप्ति हो गई थी उन्हें। अब टीचिंग्स ऑफ महावीर, टीचिंग्स ऑफ महावीर की बात करें तो जो महावीर थे, वर्धमान महावीर थे, उनका क्या मानना था, वो ये बिलीव करते थे कि अगर किसी को नॉलेज चाहिए, एनलाइटमेंट चाहिए, ठीक है, जो जो कैवल्य उन्हें मिला था, वो कैवल्य अगर किसी को गेन करना है, और ये जो जन्म मरण है, आत्मा है, सोल है, इनकी जो कार्मिक बॉन्डिंग है, कार्मिक बॉन्डिंग मतलब जो भी मोह माया इन सब चीज़ों में मतलब फंसे रहना, ये सारी कार्मिक सिचुएशन होती है, इनके बॉन्डिंग से छुटकारा पाने के लिए, बर्थ या डेथ इनके साइकिल से छुटकारा पाने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए, कुछ जो वर्ब्स हैं या कुछ प्रिंसिपल्स हैं उन्हें फॉलो करना चाहिए। वो वर्ब्स या वो महाव्रत कौन कौन से थे जो महावीर ने दिया था, ठीक है, वर्धमान महावीर ने दिए थे ये महाव्रत, वो कौन कौन से थे, तो वो थे फर्स्ट अहिंसा, हिंसा या नॉन वायलेंस, ये क्या होता है, मतलब सबके प्रति दया करना, ठीक है, किसी को भी हार्म नहीं पहुंचाना, नुकसान नहीं पहुंचाना, जितने भी क्रिएचर्स हैं उनके प्रति दया करना, ठीक है। आपने देखा होगा जो जैन धर्म के लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, जल्दी मतलब है ना, जल्दी खाना पीना खा लेते हैं, या उनकी सुबह जल्दी होती है, तो उसका रीजंस क्या होता है कि उन लोगों का मानना होता है कि शाम को जैसे हम देर रात तक जगेंगे, देर रात तक खाएंगे पिएंगे, तो छोटे मोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं वो रात को ज़्यादा घूमते हैं, तो मतलब कहीं वो पैर के नीचे आके दब ना जाए, मर ना जाए, ठीक है, तो इतना ज़्यादा मतलब वो ध्यान रखते थे जीवों के प्रति दया करना। तो ठीक है, तो सबसे पहली टीचिंग क्या थी, अहिंसा नॉन वायलेंस, मतलब किसी को हार्म नहीं पहुंचाना, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, जीवों पे दया करना है। सेकंड, सत्य, ट्रुथफुलनेस, मतलब सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना, अपने झूठ से किसी का नुकसान नहीं करना है, हमेशा सच बोलना है। थर्ड, अस्तेय, नॉन स्टीलिंग, मतलब आपके पास जो भी है आप उसमें खुश रहिए, किसी और के पास क्या है उसके लिए ग्रीड मत कीजिए, उसके लिए लालच मत आने दीजिए मन में, ठीक है, लालची मत बनिए, जो है उसमें खुश रहिए ऑनेस्टली। नेक्स्ट है ब्रह्मचर्य, ठीक है, ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है कि अपने ऊपर कंट्रोल रखना, ठीक है, मतलब कैरेक्टर, आपका जो कैरेक्टर है वो सही होना चाहिए, अपने ऊपर कंट्रोल रखना है। उसके बाद अपरिग्रह, अपरिग्रह का नॉन पोजिशन, नॉन पोजिशन मतलब किसी पर अपना अधिकार नहीं जमाना है, मतलब कोई भी प्लेस, पीपल, मटेरियल थिंग्स, जो भी चीज़ें हैं उस पर अपना अधिकार मत जमाइए कि हाँ ये मेरा है, ठीक है, फ्रीडम दीजिए, खुद भी फ्री रहिए, ठीक है, किसी को अपने अंदर भी अपने ऊपर भी नहीं अधिकार जमाने देना है, और आप भी किसी और पर अधिकार मत जमाइए, चाहे वो पीपल हो, प्लेस हो या थिंग हो। वर्धमान महावीर के अकॉर्डिंग आपके लाइफ के जो भी गोल्स हैं वो आप कैसे अचीव कर सकते हैं, त्रिरत्न या त्रिज्वेल्स के थ्रू। ये त्रिरत्न या त्रिज्वेल्स क्या थे, कौन कौन से थे, फर्स्ट राइट बिलीव, राइट नॉलेज एंड राइट एक्शन, कि आपको विश्वास रखना है, भरोसा रखना है, आपका बिलीफ होना चाहिए सही। दूसरा क्या है, नॉलेज, आपको नॉलेज होनी चाहिए सही। और थर्ड राइट एक्शन, आप क्या एक्शन ले रहे हैं, आप क्या कर्म कर रहे हैं वो भी सही होना चाहिए, तभी आप अपनी लाइफ के गोल को अचीव कर पाएंगे। महावीर की बात करें तो बहुत ही सिंपल लाइफ जीते थे ये, मतलब उन्हें किसी भी सिस्टम, कास्ट सिस्टम इन सब में बिलीव नहीं करते थे। उनका क्या मानना था कि जो भी मैनकाइंड है, जो भी लोग हैं, सारे लोग एक हैं, एक जैसे हैं, कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए इसमें। दूसरा, वो किसी भी चीज़ पर, किसी भी भगवान को मानने पर या किसी भी तरीके के सेक्रीफाइस पर या किसी भी तरीके के रिचुअल्स पर बिलीव नहीं करते थे, ठीक है, कि झूठे जो मतलब धर्म, पाखंड ये सब जो होते हैं, अंधविश्वास, ये सब नहीं मानना चाहिए, वो नहीं मानते थे इन सब चीज़ों को, और उस तरीके से मतलब सिंपल लाइफ वो जीते थे, ठीक है। द स्प्रेड ऑफ जैनिज्म, जैनिज्म का, जैनिज्म, जैन धर्म की बात करें तो इसका प्रचार प्रसार कैसे हुआ, ये कैसे फैला,
तो क्या हुआ कि जैसे इसमें कुछ भी तरीके के आडंबर नहीं थे या किसी भी तरीके के रिचुअल सेक्रीफाइस, किसी भी भगवान को नहीं मानते थे ये लोग, तो इसलिए ये बहुत मतलब तेजी से बढ़ा ये धर्म, ठीक है, लोगों के बीच, और इसके काफ़ी सारे फॉलोअर्स हो गए। और बाद में जो वर्धमान महावीर थे उनके डेथ के बाद, उनकी निर्वाण प्राप्ति के बाद, ये क्या हुआ, टू सेक्ट्स में डिवाइड हो गया, टू पार्ट्स में, एक श्वेतांबर एक दिगंबर। तो जो श्वेतांबर को मानते थे वो लोग क्या करते थे, व्हाइट कलर के ड्रेसेस पहनते थे, ठीक है, श्वेत मतलब व्हाइट होता है, तो श्वेत कलर, व्हाइट कलर के ड्रेसेस पहनते थे, वो श्वेतांबर सेक्ट में आते थे। और दिगंबर्स जो क्लॉथ्स ही नहीं पहनते थे, ठीक है, बिना कपड़ों के रहते थे, वो थे दिगंबर्स। उसके बाद धीरे धीरे फिर क्या हुआ कि ये अलग अलग स्टेट्स में फैला, एक स्टेट से लेकर दूसरे, पहले जैसे बिहार में था, उसके बाद ये उड़ीसा और गुजरात, उसके बाद वेस्ट मैसूर, ठीक है, इन सब जगहों पे फैला, फिर साउथ में, उसके बाद में राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इन सभी स्टेट्स में जो जैनिज्म है बहुत तेज़ी से बढ़ा। उसके बाद जो काफ़ी सारी जैन मोनेस्ट्रीज हैं वो पाई जाती हैं इन सब प्लेसेस पे, जिसमें से एक फेमस को है, कौन है, श्रवण बेलगोला, ये टेंपल है कर्नाटक में। उसके बाद दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है ये राजस्थान में है, ये काफ़ी फेमस है। और भी काफ़ी सारे टेंपल्स जो जैन धर्म के, जैनिज्म के टेंपल, ये मोनेस्ट्रीज हैं, वो इन सभी स्टेट्स में पाए जाते हैं।